आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन। एक्चुअल में वर्ड प्रॉब्लम में ना ज़्यादातर आने के चांसेस इसी के रहते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो डिवाइड कर लेते हैं सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं स्पीड टाइम और डिस्टेंस वाले, और दूसरे आते हैं बोट वाले। पहले हम करेंगे सिंपल स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले, बोट वाले हम करेंगे बाद। इसमें बस मेरे हिसाब से तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जनरली होता क्या है, दो डेस्टिनेशंस के बीच में डिस्टेंस तो फिक्स रहता है, ठीक है। अगर डिस्टेंस फिक्स रहता है तो इसमें चेंज क्या आएगा, अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इफ स्पीड इंक्रीजेस टाइम रिड्यूसेस, ठीक है, और डिस्टेंस फिर भी बढ़ेगा स्पीड इनटू टाइम। अगर ऐसा होता है इफ स्पीड डिक्रीजेस तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। भाई तुम ए से बी तक जाने के लिए अगर 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड है तुम्हारी, 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड, और तुम्हें 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। अब देखो अगर ये स्पीड कम हो जाए ए से बी तक जाने के लिए, अब स्पीड अगर तुम्हारी 5 किलोमीटर पर आ जाए तो ऑब्वियसली बात टाइम तो बढ़ जाएगा ना। टाइम कितना हो जाएगा, 4 घंटे हो जाएगा, है ना। तो अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो टाइम की जगह इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे उल्टा होता है। अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो टाइम इंक्रीज हो गया, और अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, इस चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन।